हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोज़ डिज़ाइन कुशन कवर लाए हैं। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट और ख़ूबसूरत से रोज़ फ्लावर बीच में बनते हैं। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने में आसान है और बहुत ही आसानी से जल्दी से बन जाते हैं। हमने यहाँ 29 इंच बाई 29 इंच का ये स्क्वायर पीस लिया है। ये देखिए 29 इंच इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी 29 इंच है। ऐसा एक स्क्वायर पीस ले लिया है। अब इसके बाद हम इसमें साइड से सीम अलाउंस दो दो इंच हर तरफ से निकाल देंगे। ये देखिए 2-2 इंच हर साइड से हमें निकालना है, यानी बीच में हमें 25 इंच का स्क्वायर मिल जाएगा जिसमें हम लोग को स्मोकिंग करनी है। तो हर साइड से हमें 2-2 इंच पे मार्क, ऐसे हमने एक तरफ 3 जगह से कर लिया है। उसके बाद इसे एक स्ट्रेट स्केल की मदद से सीधी लाइन खींच देंगे। हर तरफ हमें 2 इंच का ही मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से हमें, देखिए, हर तरफ से हमें वैसे ही करना है। एक तरफ से हमने कर लिया है 2-2 इंच का मार्जिन का निशान। इसके बाद हम 3 और तरफ भी ऐसे ही 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखिए, हमें कम से कम 3-4 जगह से ये मार्जिन का निशान लगाना होता है। और उसके बाद हम फिर सीधी स्केल की मदद से चारों ओर हमने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ लिया है और बीच में हमारा 25 इंच का पीस बच के आ जाएगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 25 इंच के पीस पे एक एक इंच पर की दूरी पर हम निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच बाई 1 इंच पे हम ऐसे करके ये निशान खींच ले रहे हैं। हमारा पूरे में हमें ऐसे ही करना है। कम से कम हम लेंथ वाइज और विड्थ वाइज 3 जगह हम इस तरह के एक एक इंच के मार्क खींचेंगे। जैसे एक जगह हमने ये खींच लिया, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक एक इंच के मार्क खींच लेंगे और फिर एंड पे भी जाकर एक एक इंच के ये मार्क्स ऐसे खींच लेंगे। 3 जगह हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो इन 3 पॉइंट्स को साथ में लेते हुए खींचेंगे तो जो लाइन है वो परफेक्ट बनेगी। आप चाहें तो कपड़े को टेप की मदद से फ्लोर पे या टेबल पे अटैच करके उसके बाद भी लाइनिंग कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फ्री हैंड लाइनिंग करके दिखा रहे हैं जिससे कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। ऐसे 3 जगह से ऐसे लाइन की निशान लगा लिए। अब उन तीनों निशानों को बड़ी स्केल पे टच कराते हुए हम लाइंस खींचेंगे। ये हम वर्टिकल लाइंस खींच रहे हैं और हॉरिजेंटल लाइंस भी हम ऐसे ही खींचेंगे जिससे कि एक ग्रिड बन के तैयार हो जाएगा 1 इंच बाई 1 इंच का। इस तरह से देखिए, तीनों पॉइंट्स हमारे लाइन पे आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो फिर थोड़ा सा कपड़े को एडजस्ट कर लीजिए और इस तरह से हमें स्ट्रेट और परफेक्ट लाइंस मिल जाएंगी। अगर ये लाइंस परफेक्ट नहीं होंगी तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। तो हमें इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों इस तरह से ग्रिड तैयार होने के बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में एक क्रॉस करेंगे, फिर एक कॉलम छोड़ के थर्ड में, फिर एक कॉलम छोड़ के फिफ्थ में। इस तरह से इस रो में हम एक एक कॉलम छोड़ते हुए इस तरह से क्रॉस बनाएंगे। पूरे में 13 क्रॉसेस यहाँ पे एक लाइन में तैयार होंगे। इसके बाद अगली लाइन को हम छोड़ देंगे और फिर उसकी अगली लाइन में हम जाएंगे। यहाँ फर्स्ट पे क्रॉस करेंगे, फिर 3 कॉलम छोड़ेंगे और फोर्थ पे, इस तरह से बीच में 3-3 कॉलम छोड़ते हुए हम क्रॉसेस बनाएंगे। तो इस लाइन में हमें याद रखना है 3 कॉलम बीच में छोड़ने हैं। इसके ऊपर वाली लाइन फर्स्ट लाइन की तरह होगी, यानी बीच बीच में एक ही एक कॉलम छोड़ते हुए हमें क्रॉसेस तैयार करने हैं। तो याद रखिए कि हमें इसी तरह से क्रम रखना है, एक एक छोड़ के ऑड नंबर की लाइन से बनेगा और इवन नंबर की लाइन्स पे 3-3 छोड़ के हमें क्रॉसेस तैयार करने हैं। तो देखिए, 3-3 कॉलम के गैप पे हमें पूरे में इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है। अब आप देख रहे होंगे कि सेकंड कॉलम में बीच में छूटा है, उसमें हम कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। देखिए, पूरा ग्रिड हमने तैयार इस तरह किया है। इसके बाद आप देखें, सेकंड लाइन में हमने यहाँ पर एक में गैप किया है, फिर अगले वाले में गोला खींचा है, फिर एक का गैप है, अगले वाले में गोला, फिर एक का गैप और गोला, यानी बीचों बीच में हम सेकेंड कॉलम में यहाँ पर देखिए हमने इधर गोला है तो अब फर्स्ट में कर लेंगे। ये गोले जो हम बना रहे हैं इसी के ऊपर हमारे रोज़ फ्लावर बनेंगे। तो ये देखिए, डायगोनल एक के बाद एक हमें इस तरह से पूरे गोले तैयार करने हैं जिसमें हम बाद में फ्लावर के लिए स्मोक। अब एक बार ग्रिड तैयार हो गया तो हम स्मोकिंग करेंगे। उसके लिए सेम कलर का धागा, सुई ली है और थ्रेड कटर लिया है, इनसे हम स्मोकिंग करेंगे। तो
तो हम फर्स्ट वाला कॉलम में जिसमें क्रॉस है, सिर्फ जिसमें क्रॉस है अभी, हम उसी में ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी कॉर्नर्स पे स्क्वायर के हमने ये स्मोकिंग करना है, और फिर से फर्स्ट जगह पर। अब हम इसे खींचेंगे तो देखिए 4 पॉइंट स्मोकिंग हो गई, खींचेंगे तो एक फ्लावर जैसा बन जाएगा। इसको हम स्ट्रॉन्ग नॉट लगा देंगे बीचों बीच में, जहाँ पे सभी इकट्ठा हुआ है कपड़ा मिलकर, वहीं पे ही बीचों बीच में हम स्ट्रॉन्ग नॉट बना लेंगे। हर इस क्रॉस पे हमें इसी तरह से करना है, दोनों तरफ से हम स्ट्रॉन्ग नॉट लगा लेते हैं जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगा। तो अभी हमने जो सर्किल जहाँ किए थे उसे अभी हम टच नहीं करेंगे, उसे हम बाद में करेंगे। अभी हमारा जो मोटो है वो हर इस क्रॉस पे इस तरह से 4 पॉइंट स्मोकिंग करना है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी कॉर्नर्स पे इस तरह से फ्लावर बनाना है। आगे से इस तरह से लुक देता है, बहुत ही खूबसूरत सा दिखेगा। अभी नॉट लगाई हमने ये, अगले क्रॉस पे गए, अगले क्रॉस पे फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और फिर से फोर्थ कॉर्नर, और अगेन जहाँ फर्स्ट सिला है वहाँ पे इसको खींचेंगे इस तरह से, और एक फ्लावर रेडी होगा। उस फ्लावर को बीच से पकड़ के बीचों बीच में हम नॉट लगा देंगे। तो सभी क्रॉसेस पे हमें इस तरह से करना है, आसानी से बन जाता है। अगर आप नए भी हैं तो इसे बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे, बट ग्रिड एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमारा ये क्रॉस पे फ्लावर पूरे में करना है। ये हम बाद में करेंगे, जिस पे हमने सर्किल किया इसे हम सेकेंड टर्म में करेंगे। पहले हम सिर्फ पूरे में इस तरह से क्रॉस पे ही इस तरह की स्मोकिंग करेंगे, इसे बाद में। ये देखिए हमने पूरे में जितने भी क्रॉसेस थे सब पे स्मोकिंग कर ली, तो ऐसा लुक आया है। अब जिस पे सर्किल है, देखिए इस पे सर्किल है, एक पे छोड़ के एक पे सर्किल आ रहा है, तो हमने इसे पीछे की तरफ से ही सर्किल वाले स्क्वायर पे हम 4 पॉइंट स्मोकिंग कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये डार्क पिंक कलर का दिख रहा है, क्योंकि इस पे सर्किल बना हुआ है। इसमें करना वही है 4 पॉइंट स्मोकिंग सेम ढंग से जैसे हमने अभी तक किए, तो ऐसा फ्लावर बन के आएगा, बट ये फ्लावर पेटल हम पीछे की तरफ इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए तो स्ट्रक्चर ऊपर से ये इस तरह से दिखेगा, लेकिन अभी हम पहले आपको दिखा रहे थे नॉट लगाने के लिए फ्लावर के ऊपर बीचों बीच में यहाँ पे नॉट भी लगाना है। तो अभी हमें सिर्फ यही करना है, जिस पे हमने सर्कल खींचा है उस पे 4 पॉइंट स्मोकिंग कर देना है, और उसकी जो पेटल्स हैं उन्हें हमें पीछे की तरफ इंसर्ट कर देना है। अगर आप चाहें तो बाद में भी इंसर्ट कर सकते हैं, पूरे में पहले इस तरह से बना लीजिए। देखिए अब हम ये जो पेटल बन गई हैं इनको हमने पीछे की तरफ ढकेल लिया, ये हो गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम अगले में फिर आपको दिखाते, ये छोड़ देंगे, इसमें नहीं गोला है, इसमें सर्कल है, तो हम इसके 4 पॉइंट स्मोकिंग इसमें भी कर देंगे। करना यही है 4 पॉइंट स्मोकिंग, बट एक छोड़कर एक पे करना है। तो ये देखिए इस तरह से स्मोकिंग की, 4 पॉइंट स्मोकिंग किया हमने ये फोर्थ कॉर्नर पे। इसके बाद कस दिया, ऐसे खींच दिया धागे को, और धागे को खींचने के बाद बीचों बीच में हम नॉट लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग नॉट लगा लेंगे दोनों ही तरफ से। इधर से भी लगा लिया, फिर इधर से पेटल्स को इस तरफ से किया, और पूरे में अब हमें जिस में सर्किल है सिर्फ उसी पे इस तरह से स्मोकिंग करते हुए जाना है, और धागे को कट कर देना है। पूरे में अब हम ऐसे ही करने वाले हैं, इनके भी कॉर्नर को, सॉरी पेटल्स को अंदर की तरफ, सिर्फ फ्लावर की पेटल हमने अंदर करी। अब आगे से आपको दिखाते कैसा दिखेगा ही। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो बीचों सारी कॉर्नर्स हमने डाल दिए, बीचों बीच में जो ये उठा उठा सा दिख रहा है इससे हम पकड़ के, ये उठा उठा आपको दिख रहा होगा, ये बीच के उठे उठे को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसमें उंगली मारनी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और उंगली रखी, तो ये फ्लावर बन जाएंगे। तो ऐसे ही फ्लावर हमें पूरे में बनाने हैं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम आपको पूरे में बना के दिखाते कैसा लगेगा, अभी तो एक रो हुई है, अभी सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और उंगली से टैप करना है, तो ये फ्लावर बन जाते हैं पूरे में। अभी हम आपको दिखाएंगे अल्टरनेट बनेंगे डायगोनल एक के बाद। देखिए अब हमने सभी राउंड वाले पे बना दिया है, तो छूटे वाले उठे उठे दिख रहे हैं। आगे से देखिए ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये देखिए इस
के हमें सिर्फ ये जो कॉर्नर से इन्हें थोड़ा सा ऊपर उठाना है और फिर इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, उंगली से टैप करना है कॉर्नर्स को इस तरह से। चाहे तो पीछे से आप इंसर्ट कर दीजिए पेटल्स को, चाहे तो आगे से कॉर्नर खींच लीजिए। ये इस तरह से देखिए, हमने चारों कॉर्नर खींचे, बीच से पकड़ा, राउंड राउंड घुमाया और टैप किया एंटी क्लॉक वाइज घुमा के। पूरे में हमें ऐसे ही करना है। तो फ्लावर हमारे बहुत ही खूबसूरत लुक आ रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये एक बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। पूरे में ऐसे ही करते हुए जाएंगे, कॉर्नर्स को खींच लेंगे और बीच से पकड़ के एंटी क्लॉक वाइज फिर टैप किया उंगली से सभी में। ये देखिए फाइनल लुक है, कितने प्यारे रोजेस दिख रहे हैं हमें। बस हमने इसमें बीच में टैप कर दिया है, तो ये बीच का भी ऐसे ही पूरे में हमने बना लिया। अब हम साइड से इसमें पिन लगा लेंगे क्योंकि अब हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमें कॉर्नर पकड़ना है कि आपका ये जो लाइन है स्क्वायर्स की वो भी बिगड़े ना। तो किस तरह से करना है वो आप देखिए, हमें प्लेट्स कैसे देनी है वही मेन है। चाहे आप इसमें पिन लगाएं, चाहे तो आप कच्ची भी सिलाई कर सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पिन लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से प्लेट को एक को पकड़ा, पिन लगाया, जैसे जैसे कपड़ा जहाँ पे फोल्ड हो रहा है सिर्फ हमें वैसे ही करना है। फिर इस दूसरे पीस को पकड़ा और यहाँ पे ऐसे रखते हुए पिन लगा दिया। कच्ची सिलाई से भी अच्छे से ये बैठेगा। ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर सिलने के बाद ऊबड़ खाबड़ ना लग के। आपने मेरे कुशन कवर में देखेंगे कि ये परफेक्ट सी एजिंग है आती, ये इसलिए हमें इस तरह से पिन करके तभी स्टिचिंग करनी है। चाहे तो आप इसे कच्ची सिलाई करें। तो देखिए किस तरह से कपड़े को हम प्लेट्स दे रहे हैं, चारों कॉर्नर में हमें ऐसे ही प्लेट्स देते हुए जाना है। ये देखिए इससे एक तो एज क्योंकि बड़ी है दिखती, बीच में तो स्मोकिंग हो गई, एज हमारी नॉर्मली रह गई है, तो वो पूरी बराबर एकदम अच्छे से आ जाती है। ऐसे ही प्लीट्स दे के हमें पूरे में चारों ओर ऐसे ही करते हुए जाना है। इस तरह से हमने चारों ओर पिन लगा लिया। अब इसका अस्तर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें दो पीसेस चाहिए। पहले आप डायमेंशन देख लीजिए, हमारा ये लगभग 17 से 16 के बीच में ही बनता है। तो ये 17 इंच है इधर से, और इधर से ये 17.5 इंच है। ये देखिए, तो अब इस पीस को हम सिलने के लिए 4x17 इंच का एक पीस लेंगे, 17 इंच की चेन लेंगे। ये 4x17 का पीस है, एक चेन 17 इंच की लेंगे। ये इसके अलावा एक 14x17 का पीस है, तो लंबाई इसकी बराबर आ जाएगी। सबसे पहले जो छोटा पीस है इसमें हम 1 इंच रॉन्ग साइड को फोल्ड करेंगे और उसमें हम चेन सबसे पहले जोड़ेंगे। तो ये रॉन्ग साइड 1 इंच मोड़ा और चेन को इस पर उल्टी रखी। ये देखिए रनर अंदर की तरफ है और यहाँ पे साइड में सिल दिया, और चेन की दूसरी साइड में से 14 इंच 17 इंच वाली तरफ से जो ये हमने पहले छोटा पीस जोड़ लिया और बाद में दूसरा पीस भी इस पर इस तरह से सिल दिया है। तो ये बैक तैयार है। अब हम इसमें फ्रंट, ये बैक पे फ्रंट का पीस उल्टा रखेंगे और चारों साइड से इसे सिल लेंगे। तो इसे उल्टा रखना है और चारों ओर से सिल। ये देखिए हमने इसे चारों ओर से सिल लिया है। अब हम इसमें से चेन धीरे से खोलेंगे और फ्लिप करेंगे। याद रहे अंदर की तरफ पिन है, तो थोड़ा ध्यान रख के करना है। कॉर्नर्स को सबसे पहले उंगली की मदद से सिक्योर करेंगे और उसके बाद ये पिन्स भी निकालते जाएंगे। फाइनल लुक अभी हम इसके बाद आपको दिखाते हैं। पिन को भी निकाल देंगे इस तरह से चेन बन करके। देखिए इस तरह से पूरा परफेक्ट एजेस के साथ आया है और फ्लावर भी बहुत खूबसूरत है। अब हम इसे कुशन में चढ़ा के दिखाते हैं आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए कुशन में हमने इसे चढ़ा दिया है, फ्लावर्स भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, पीछे से भी लुक बहुत अच्छा है, और ये देखिए साइड से भी एज बहुत खूबसूरत आया है। इस तरह से कुशन तैयार। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा हो।